अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए मोंगरे आलू की बहुत ही यमी किस्म की सब्जी लेके हाजिर हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको हमने बनाया है। बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। लेकिन ठहरिए, उससे पहले ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पे हमने मोंगरों को दोनों साइडों से काट के पहले अच्छे से धोया है, फिर इनको काट के इनमें हरी मिर्चें डाली हैं और इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर रहे हैं। तो जब ये ग्राइंड हो जाएंगी, यानी कि ये थोड़ी पिस जाएंगी, तो इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब दूध। तो दूध डालने के बाद इसको दोबारा से हमने इसको पीसना है और इनकी जो पेस्ट सी है वो तैयार कर लेनी है। यानी कि मोंगरे हमने साबुत साबुत से नहीं रखने। ये तैयार हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और जनाब तैयार करते हैं मसाला। यहाँ पे हमने तेल गरम करके इसमें जीरा सीड्स डाले हैं, थोड़ी सी सौंफ डाली है, अजवाइन भी डालेंगे, लाल कुटी हुई मिर्च भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बस 30 सेकेंड तक इसको हिला जुला लीजिए। मिर्च हम थोड़ी देर के बाद इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जलने की जो स्मेल ना आए। अब साथ ही हमने इसके अंदर एक प्याज का जो पेस्ट है बना के वो डाल दिया है। तो अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। तो भूनते जाइए, मसाला तैयार कीजिए इसको। और थोड़ा सा जब प्याज अभी पूरी तरह से नहीं ये पका, लेकिन उस वक्त में आके हमने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ इसमें हमने अदरक और लहसुन की पेस्ट वो भी डाल दी है। तो अब इसको हमने भूनना है, लगातार भूनना है, 2 से 3 मिनट तक भूनिए अच्छे से। और जब इनकी खुशबू आने लगे बहुत अच्छी तरह से, टमाटर की पेस्ट हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे बारी है हमारे मसालों की। तो यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी भी शामिल कर दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इसके बाद दोबारा से इसको हम भूनेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि ये जो मसाला है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और साथ ही साथ आलू जो हैं वो थोड़ी देर गल जाएं। अब आलूओं को हमने साइड पे कर दिया है और दरमियान में हमने ये जो मोंगरों की पेस्ट है इसको डाल दिया है। ये देखिए, थोड़ी देर इसी तरह छोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स। तकरीबन हमने 30 सेकेंड 1 मिनट तक इसको छोड़ा है साइडों से हटाते हुए, आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल जाएं। और ये आप देख रहे हैं भूनते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पे इतने टाइम के बाद और आलू भी थोड़े से गल गए हैं, तो यहाँ पे हम टमाटर पेस्ट जो है उसको शामिल करेंगे। तो आप चाहें तो आप मसाले में पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको जानबूझ के बाद में डाला है क्योंकि इसका जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक पकाया है और दोबारा से इसके अंदर 1 कप दूध हमने शामिल कर दिया है। और दूध शामिल करने के बाद इसको हमने मिक्स करके तो ढक के इसको हमने पकाना है इतनी देर तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये देखिए, ये काफ़ी फूल भी गई है और बहुत ज़्यादा भी लग रहे हैं। तो अब इसको हम ढक के पकाने जा रहे हैं। और लीजिए जनाब, पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है, आलू भी गल चुके हैं और हमारी जो मोंगरे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। इस वक्त में आके हमने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। मोंगरे हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। यहाँ पे थोड़ी देर हमने इनको और भूना है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा तीखा और ये हो जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर हम एक चीज़ और शामिल करें हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, बादाम हैं पिसे हुए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको बिल्कुल मत डालिए, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा शाही से मोंगरे बनाने के लिए इसके अंदर बादामों का तड़का जो है वो हमने दे दिया है। तो
अगर आप डालेंगे तो आपको यकीनन इसका बहुत मजा आएगा। बस तकरीबन एक मिनट तक और हमने इसको पकाया है, ज्यादा नहीं, और अब इसको हम सर्विंग डिश में उंडेल देते हैं। तो लीजिए जनाब, इसको डाल दिया, इसको फुलके के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या नान के साथ खाइए, आपको हर तरह से ये बहुत मज़ा देगा। थोड़ा सा बटर हमने ऊपर रख दिया है और हमें चूंकि पसंद है इसलिए अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। अगली किसी भी नई वीडियो तक आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, जब आप इस हमारी इस रेसिपी को बनाएं तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह ने के बाद हुआ तमाम दोस्तों का।